नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण नेत्रयम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। चैत्र नवरात्रि की समस्त देशवासियों को समय जगत समूह की ओर से हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। बड़ा मलहरा में कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष नरेंद्र दीक्षित से खास बातचीत। दीक्षित जी ने कहा, कांग्रेस पार्टी में उत्सव की लहर चल रही है और दमोह लोकसभा प्रत्याशी प्रताप सिंह लोधी जी के समर्थन में पूरा युवा जोश के साथ खड़ा है। मध्य प्रदेश के काफी लोकसभा क्षेत्र, काफी विधानसभा क्षेत्र हम घूमते, बड़ा मलहरा नगर पालिका में आए। हमारे पास बैठे हैं रफीक मोहम्मद, जो नगर पालिका अध्यक्ष, काफी कांग्रेस जानी पहचानी हस्ती है। अब इनसे कुछ मुद्दे, क्या लोकसभा में कितनी सीटें बढ़ेंगी कांग्रेस की, और क्या क्या प्रताप सिंह लोधी को मिली है लोकसभा दमोह से, उनका क्या मुद्दा रहेगा, क्या चर्चा चल रही है? मध्य प्रदेश में कांग्रेस की कम से कम 15 सीट आना चाहिए जी। और प्रताप सिंह लोधी बहुत अच्छे प्रत्याशी जी, और उनके जीतने के 100% चांस है, वो जीतेंगे। 15 साल तक बीजेपी का शासन देगा, वर्तमान में कांग्रेस सरकार ही है, क्या उम्मीद है आपको कमलनाथ जी से? आपकी कांग्रेस से आप गद्दावर नेता माने जाते हैं बड़ा मलहरा क्षेत्र में, क्या उम्मीद है, क्या विकास होगा, क्यों नहीं नगर पालिका विकास हुआ है पहले? कमलनाथ जी बहुत अच्छे सेंसेटिव मुख्यमंत्री हैं। कमलनाथ जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जो उनका वचन पत्र 75 दिनों का था, अधिकतर वचन पत्र में उन्होंने काम पूरा किया है, और ये बहुत खुशी की बात है, और कांग्रेस को बहुत लाभ मिलेगा लोकसभा चुनाव में। राहुल गांधी ने कहा कि 6,000 का महीना और 72,000 की साल, इस पर क्या आप कहना चाहते हैं, क्या कहाँ तक मुद्दा, मतलब लहर लहर जनता के बीच पकड़ रहा है? बहुत अच्छी बात की है राहुल गांधी ने, यदि 20 करोड़ गरीबों को 75,000 रुपये सालाना मिलेगा तो बहुत अच्छी बात है, उनका भरण पोषण होगा पूरा। जनता के बीच आप जुड़े हो, आपको जनता ने नगर पालिका अध्यक्ष चुना, आगे की राजनीति क्या भविष्य आपका, मतलब क्या कांग्रेस में कौन कौन सी जगह मिल सकती है, आगे आपका क्या कहना है? जनता के लिए समर्पित हैं, जनता जो कहती है वो करता हूँ, और जहाँ तक विकास वाली बात है तो मैंने नगर में करीब अभी तक जितने भी प्रतिनिधि चुने गए हैं उनसे कई गुना ज़्यादा काम किया है, ये आपको पूरे नगर में देखने को मिलेगा। जिस प्रकार से कांग्रेस में उत्साह, प्रद्युम्न सिंह लोधी यहाँ से विधायक बने, मुख्यमंत्री भी कांग्रेस का बना, क्या उत्साह चल रहा है, क्या कांग्रेस की बराबर, मतलब जो कार्यकर्ता हूँ मैं जगह जगह थी, क्या बराबर उत्साह दिख रहा है? आप भी मतलब आप अब क्या कार्यकर्ता जुड़ रहे हैं कि नहीं जुड़ रहे पहले से? बिल्कुल, कांग्रेस का कार्यकर्ता बहुत उत्साहित है, इसलिए जो विधानसभा चुनाव में विधायक उन्होंने 15-20 हज़ार वोटों से लगभग विजयी बनाया है, और आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि लगभग 25,000 वोटों से लोकसभा में प्रताप सिंह लोधी विजयी होते। आपके कार्यकाल में मतलब क्या कैसे कौन सा बड़ा स्टेडियम बनाया, मतलब क्या ऐसा विकास का पानी की टंकी कितना मतलब काम किया आपको, मुख्य काम है ऐसा कोई? हमने 25 साल पुरानी जहाँ भी पानी की समस्या थी जी, उस समस्या का हल किया, उस समस्या को हल किया, साथ में बस स्टैंड किया, 25-30 साल पुरानी जो समस्या थी वहाँ बस स्टैंड का निर्माण किया, और जहाँ तक मार्केट डे का सवाल है तो मैंने गुहारा रोड पे डिवाइडर और साथ में फुटपाथ बना के उसको पूरा करने का। खबर समय जगत के लिए बड़ा मलहरा से नीरज विश्वकर्मा की रिपोर्ट। खबर समय जगत, एक संदेश पूरा देश।